डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर सेकेंड पार्ट ऑफ नो योर बॉडीज टॉपिक। प्यारे बच्चों, आपका नो योर बॉडी पार्ट्स के दूसरे हिस्से में खैर मकदम है। चलो अब हम हमारी जिल्द यानी स्किन की बात कर लेते हैं। द बॉडी रिपेयर्स इट सेल्फ, हमारा जिस्म अपने आप की मरम्मत करता रहता है। इफ़ द स्किन इज़ कट और इंजर्ड, ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग। अगर हमारी स्किन यानी जिल्द कहीं से कट जाती है या ज़ख्मी हो जाती है तो आप सभी को पता है उसमें से खून बहना शुरू हो जाता है। आफ्टर अ लिटिल व्हाइल, कुछ देर बाद इट क्लट्स, खून जम जाता है। अ स्कैब फॉर्म्स ऑन द कट, और उस कट पर एक खिपली जम जाती है, खिपली बन जाती है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद द स्कैब फॉल्स ऑफ, वो खिपली जो है तो झड़ जाती है। देर इज़ न्यू स्किन अंडर द स्कैब, और आपको उसके नीचे नई जिल्द नज़र आने लगती है, यानी दोबारा से हमारे जिस्म में जिल्द आ जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं, हम जब छींकते हैं और खांसते हैं, स्नीज एंड कफ, द एयर फ्रॉम आवर स्नीज कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 160 किलोमीटर्स पर आवर्स, यानी जब हम हवा में छींकते हैं तो वो छींक की रफ्तार 160 किलोमीटर पर घंटा होती है। तकरीबन कितनी होती है, 160 किलोमीटर फी घंटा। उसी तरह व्हेन वी कफ, द एयर फ्रॉम आवर कफ ट्रेवल एट अबाउट 95 किलोमीटर्स पर आवर, और इसी तरह जब हम खांसते हैं तो तब भी वो हवा जो है तो 95 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा में सफ़र करती है। तो हुई ना ये हैरत अंगेज़ बात। चलो अब देख लेते हैं प्लास्टर की। अ ब्रोकन बोन ग्रोस अगेन एंड रिपेयर इटसेल्फ, टूटी हुई हड्डी दोबारा बढ़ने लगती है और अपने आप की खुद ब खुद मरम्मत कर लेती है। नेक्स्ट, डॉक्टर्स यूज़ अ प्लास्टर कास्ट टू हेल्प इट ग्रो प्रॉपरली, डॉक्टर जो प्लास्टर चढ़ाते हैं वो हड्डियों को दोबारा बढ़ने में मदद देती है और बढ़ने में भी और तरतीब के साथ बढ़ने में मदद देती है। तो आज आपने ये हैरत अंगेज चीज़ें अपने ही जिस्म के बारे में जान ली है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी अच्छे से हिफाजत करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।